आज अगर मुस्लिम बेटी के साथ घटना घटी है, आज हमारा सारा नेशनल मीडिया चुप्पी साध के बैठी है। क्यों, मैं एक मुस्लिम बेटी हूँ तो क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा? आप पढ़ने जा रही है वहीं पे उसके साथ गंदा काम किया जा रहा है। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? मैं डरूंगी नहीं, चाहे वो आप डायरेक्टर का बेटा हो या प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, मैं नहीं डरूंगी। कि आज अगर यही घटना हिंदू की बेटी के साथ हुई रहती और ये घटना कोई और नहीं मुस्लिम किया रहता तो आज पक्ष विपक्ष में विवादित चलित रहती, पूरा नेशनल मीडिया आज बातें करते रहते। शिक्षा की मंदिर होती है, उसी मंदिर में अयासी का अड्डा खुला हुआ है जहाँ बेटियों को शिक्षा नहीं, वहाँ पे उसको विक्टिम बनाया जा रहा है और आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ। आज टोपी वाले कहाँ है, क्यों नहीं आज निकाल के बात कर रहे हैं, क्यों नहीं इस बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं? कहाँ आज है ये नेशनल मीडिया, क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं? कि शांति निकेतन स्कूल में जहाँ अयासी का अड्डा बना था उस स्कूल में क्या मुस्लिम की ही बेटी पढ़ती थी? क्या मुस्लिम की ही बेटी पढ़ रही है? दोस्तों, बिहार के सहरसा में एक बच्ची के साथ जो हुआ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस स्कूल में वो पढ़ने के लिए जाती थी उसी स्कूल में उसके साथ दरिंदगी होती थी, गंदा काम किया जाता था और कौन करता था? डायरेक्टर का बेटा। इसको लेकर के आवाज़ उठाया जा रहा है लेकिन सरकार तक शायद आवाज़ नहीं पहुंचा है। सहरसा से कुछ लोग पटना आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महिला भी है जो आगे बढ़ी है लड़कियों की आवाज़ बनने के लिए कि लड़कियों के साथ कितना गंदा और कितना घिनौना काम किया जा रहा है, वो भी स्कूल के अंदर जहां वो बच्ची पढ़ने के लिए जाती थी। जो मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो चुका है, सनसनी मचा दिया है और कितनी शर्म की बात है कि यहां की जनता और यहां की सरकार के कान पर जूं तक रेंग नहीं रहा। बिल्कुल, जिस स्कूल पर इतना बड़ा आरोप लगा है उस स्कूल को अविलंब सीज करना चाहिए था, लेकिन मैं बता दूं कि दुर्भाग्य है इस देश का और प्रशासन की निकम्मीपन देखिए कि वो स्कूल अभी भी चल रही है। जिस स्कूल पे इतना बड़ा आरोप लगी है उस स्कूल को अभी भी चालू करके रखा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं आखिर क्यों इस बेटी के लिए आवाज़ क्यों नहीं चारों तरफ से उठ रही है? क्यों आखिर वो मुस्लिम की बेटी है इसलिए, या उसने जो घटना किया है वो हिंदू का बेटा है इसलिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि निर्भया की घटना जो पूरे देश को पता है, आखिर सहरसा की बेटी का घटना मैं यहाँ के लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को पता है उसकी बेटी के बारे में? प्रियंका मैडम, मुझे ये भी लगता है कि ये भी बात छुपाया जा रहा है कि जो घटना घटी है वो एक मुस्लिम की बेटी है। अरे बिल्कुल, देखिए हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ही चलती आ रही है। आज अगर मुस्लिम बेटी के साथ घटना घटी है आज हमारा सारा नेशनल मीडिया चुप्पी साध के बैठी है। लेकिन मैं कह दूं कि आज अगर यही घटना हिंदू की बेटी के साथ हुई रहती और ये घटना कोई और नहीं मुस्लिम किया रहता तो आज पक्ष विपक्ष में विवादित चलित रहती, पूरा नेशनल मीडिया आज बातें करते रहते, हिंदू मुस्लिम करते रहते। लेकिन शर्मिंदा हूँ मैं कि आज इस देश में जहाँ जाति में लोगों को बांटा गया है, जहाँ धर्म में लोगों को बांटा गया है, आज उसी देश में उसी समाज में आज मुस्लिम बेटी, हमारी समाज की बेटी न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन ये सरकार, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोग चुप्पी साध के बैठे हैं, उनकी जमीरें ख़त्म हो चुकी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि बेटी की कोई जात होती है क्या? बेटी हर समाज की होती है, उसे कोई जात में मत बांटिए, उसकी न्याय के लिए आगे आइए। मैं पूछना चाहती हूँ कि शांति निकेतन स्कूल में जहाँ अयासी का अड्डा बना था उस स्कूल में क्या मुस्लिम की ही बेटी पढ़ती थी? क्या मुस्लिम की ही बेटी पढ़ रही है? मैं पूछना चाहती हूँ उस स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म की बेटी पढ़ती है। और मैं ये भी बात कह दूँ कि 100% में 60-70% के बच्ची के साथ वहाँ पे हुआ है। ये भी बता दूँ कि 2021 में 3-4 बेटियों का वीडियो जो है सो वायरल हुआ था, लेकिन पैसों के दम पे धमकी दे करके उसे दबाने की कोशिश किया गया। आपको लगता है हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसमें? जी नहीं, जी नहीं, कहीं नहीं हो रहा है। हम लोग हिंदू हैं, सिर्फ एक लड़की का रेप हुआ है उसमें। अगर कोई व्यक्ति कहता है एक लड़की का रेप नहीं खड़ा है, इसमें 500 से अधिक लोगों ने DIG को वीडियो बनाकर भेजा है शिवदीप लांडे साहब को, लेकिन वह पब्लिक डोमेन में अब तक नहीं आया, यह चिंता का विषय। हमारे पास लगभग 100 लोगों का डाटा है अवेलेबल,
कि जो सोशल मीडिया पर खुलेआम लिख रहा है कि मैं उसी स्कूल का छात्र हूं और वहां सिर्फ छात्रा नहीं छात्रों के साथ भी इस लड़कों के साथ भी किया इस तरीके का हरकत किया जाता था। 2021 में भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको दबा दिया गया। अब हमारी लड़ाई क्या है, हमारा जंग क्या है, इसको समझना है लोगों को। हमारी लड़ाई है जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं और हम लोग आम आदमी हैं। सोचने वाली बात है कि सहरसा से पटना आए, क्योंकि सहरसा में कुछ लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मीडिया वालों को भी दबाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है पटना में भी आए हैं, पटना में कोई भी नेता मंत्री जो चुनाव में खड़े होते हैं वोट के लिए, वो भी यहाँ पर एक नहीं नजर आ रहे हैं। इफ्तार पार्टी होते हैं, इफ्तार पार्टी मनाई जाती है तो सारे नेता हिंदू जाकर के टोपी पहन के बैठ के इफ्तार पार्टी मनाते हैं, लेकिन जब उनकी माँ बहन बेटियों की आबरू की बात आई तो एक भी टोपी वाले नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बातें कर रहे हैं, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? जहाँ पढ़ने जा रही है वहीं पे उसके साथ गंदा काम किया जा रहा है। शिक्षा की मंदिर होती है, उसी मंदिर में अयाशी का अड्डा खुला हुआ है। जहाँ बेटियों को शिक्षा नहीं वहाँ पे उसको विक्टिम बनाया जा रहा है, और आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ, कहाँ से? आज टोपी वाले कहाँ है? क्यों नहीं आज निकल के बात कर रहे हैं? क्यों नहीं इस बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं? कहाँ आज है ये नेशनल मीडिया, क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है इस बातों को लेकर। मैडम एक बात बताइए, जिस स्कूल में बच्ची पढ़ने के लिए जाती थी, बेटी पढ़ने के लिए जाती थी, वहीं पे गंदा काम किया जा रहा है, तो बेटी सुरक्षित है कहाँ पे? बेटियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आज जो ये लड़ाई है ये धर्म राजनीति सबसे ऊपर उठकर है। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं और जितने लोग भी वीडियो को देखेंगे उनको मैं एक बात आपके वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि यह लड़ाई धर्म से ऊपर उठकर है। अब ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, जो कुछ इसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनसे भी मेरा अपील है, जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, सनातन धर्म ने हमेशा असहाय की सहायता करना, बेजुबान की जुबान बनना सिखाया है। ये नहीं कि कोई अगर गिरा हुआ है तो उसको आप वहीं पे छोड़ दो। इसलिए मैं अगर जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, लेकिन अब ये लड़ाई धर्म से हटकर अधर्म और धर्म की है, और ऐसे अधर्म के खिलाफ, ऐसे अधर्मी के खिलाफ सबको एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इतनी आवाज़ उठनी चाहिए कि दूसरा दुष्कर्मी भी अगर अपने मन में ख्याल लाए कि कभी मैं ऐसा करूं तो वो थर्रा जाए कि अरे बाप रे, अगर मैं दोबारा ऐसा मैंने किया तो मेरा भी वही अंजाम होगा जो उसके साथ हुआ था। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना कि जितना भी बड़ा मीडिया हाउस है अभी जो बहुत सारा जो केसेज आ रहा है उसको उठा ही नहीं रहा है, उठाए सोया हुआ है, तो सोया हुआ है तो आगे बहुत सारा चीज़ प्रोटेस्ट करने पर आगे फैल नहीं रहा है, और कंपाउंड में हम लोग को फैलाना है जितना, और वो लोग नहीं आ रहे तो अब तो लगता है कि उस उन मीडिया हाउसेस पर भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, उन लोगों को भी बैन करना पड़ेगा, मजबूरी आ गई है। और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, तो पॉक्सो एक्ट में तो उसको बेल होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और सब कोई मिल के ऐसा करेंगे कि स्कूल भी बंद हो ताकि ये कारनामा बंद हो, स्कूल बंद होना चाहिए ताकि ये जो गंदा काम स्कूल के अंदर हो रहा है और वो बंद हो। पॉक्सो एक्ट लग गया है, ठीक है, क्या लगता है छूटेगा वो? मैम बात हमारी, सवाल तो सबसे बड़ा कानून व्यवस्था से ही है ना, और हमारे शहर की कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है कि एक लड़की के लिए सबसे अनमोल उसकी इज्जत उसकी आबरू होती है, उसके लिए यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और हमारे शहर की कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है कि कुछ दिन पहले एक लूट की वारदात हुई थी, चंद पैसे लूटे गए थे, उसके लिए हमारे शहर के प्रशासन SIT का गठन करती है। सहरसा की बात कर रहे हैं? जी जी, हम बिल्कुल सहरसा की बात कर रहे हैं, हम कल की बात कर रहे हैं। कल कुछ चंद पैसों हथियार के बल पे लूट लिए गए, तो उसके लिए शहर के प्रशासन SIT गांठ का आदेश देती है, SIT गठन का, जाँच का आदेश देती है। और यहाँ एक लड़की का इज्जत आबरू लूट गया उसके लिए प्रशासन नहीं आवाज़ दे रही है, हमारी तो वही समस्या है कि SIT गठन का जाँच हो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए सोचने वाली बात है कि एक लड़की का इज्जत ही सबसे बड़ा होता है और लड़की का इज्जत लूट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सरकार कुछ नहीं बोलती, सोई रहती है। सोचने वाली बात है कि स्कूल के अंदर बच्चियों के साथ गंदा काम किया जा रहा है और यहाँ पर स्कूल पे कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों ये बिहार के हर एक जनता को पता होना चाहिए कि हमारे बिहार की बेटियों के साथ कितना घिनौना खेल खेला जा रहा है। पैसे के दम पर यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर बच कर निकल जाए ऐसा हो नहीं सकता। मैं यही कहूँगी कि ये वीडियो को
शेयर करके सारी जनता तक पहुंचाया जाए और दिखाया जाए कि हिंदू हो या मुस्लिम, स्कूल के अंदर जो गंदा काम किया जा रहा है स्कूल को बंद किया जाए और कानूनी कार्रवाई जो हो रही है उसको सजा मिले। बस मेरी भी यही मांग है, इन लोगों की भी यही मांग है। नमस्कार।